हेलो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो लाल वाला सब्सक्राइब बटन जल्दी से जल्दी ग्रे होना चाहिए। तो आज मैं वीडियो लंबी नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो मैं थोड़ा 3 टिप्स दूंगा, वो बहुत आपके लिए काम करेगा। तो टिप नंबर 1, अगर आप स्कूल के अपार्टमेंट में रहो तो हमेशा ट्राई करना नीचे वाले सीढ़ी पर रहना, क्योंकि अगर आपके ऊपर बंदे रश करने आए तो अगर आपके ऊपर 4 बंदे एक साथ घुसे तो आप ऊपर जा के कवर में आके थोड़ा मार सकते हो एक दो को। नहीं तो आप अगर ऊपर में ही रहोगे तो आपके ऊपर 4 बंदे एक साथ पुश करेंगे तो ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए ट्राई करना नीचे वाले सीढ़ी पर रहने की। तो ये देखो, मैंने एक को नॉक कर दिया, तो ऐसे ही आप मैंने दूसरे को भी नॉक कर दिया, तो ऐसे आप नीचे रह के मार सकते हो। और रिवाइव देने का जो है वो किसी कमरे में दो, ऐसे खुले में मत दो, सीढ़ी पर मत दो, किसी कमरे में जाके दो, वो आपके लिए सेफ रहेगा, नहीं तो मेरी तरह हालत होगी। टिप नंबर 2, अगर आपके ऊपर 3-4 बंदे रश कर दे तो हमेशा आप अगर किसी को मारते हो तो उसका दूसरा बंदा भी सोचेगा कि आपके ऊपर रश कर दे, इसलिए प्रीफर देना चालू करो। ये देखो, मैंने एक आ रहा था, मैंने एक दो को नक किया तो उसका दूसरा बंदा भी सोच रहा है मैं आके उसे मार दूंगा, तो मैंने प्रीफर दी, मार गया। तो 3rd नंबर टिप है, अगर हम आपके ऊपर 4 बंदे रश कर दे तो हमेशा 4 नंबर जो में है, जो लास्ट बंदा है, उसको मारने की टारगेट रखो, क्योंकि अगर आप उसको मार दोगे तो सामने जो 3 थे वो थोड़ा कवर में आ जाएंगे। नहीं, अगर आप अगर फर्स्ट वाले बंदे को, तो ये 4 नंबर बंदा आपको मार देगा, या जो दूसरा है वो भी आपको मार दे सकता है, लेकिन अब अगर आप लास्ट वाले बंदे को मार दो तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये टिप आपके लिए बहुत काम करेगी। और आप जाके टेनिस ग्राउंड में अपना साउंड सिस्टम जो है वो बढ़ा सकते हो, लेकिन देख के जे एनिमी कहाँ से आ रहा है, फुटस्टेप कहाँ से आ रहा है, ये सब आप अपने जो चेयर पार्क में जाके ये सब ट्रेन कर सकते। देखो, मैंने कैसे समझ लिया कि इधर एक बंदा था, ये मैंने साउंड सिस्टम से ही समझ, तो आप ट्रेनिंग में जाके ये ट्रेनिंग कर सकते हो। तो चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे माँ की कसम देने वाले सब्सक्राइब करता हूँ, मेरा नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। 1K